सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। कि आपके घर में पानी भरने का तो घड़ा है ना मिट्टी का, उसमें सुबह सुबह चूना डालो, सब लोग पी लेंगे तो चक्कर ही खत्म हो गया ना। आप रोज मिट्टी के घड़े में पानी भरते हैं, पानी भरते ही थोड़ा सा चूना डाल दो, दिन भर वो पानी कोई भी पिएगा सबके शरीर में चूना जाएगा, सबके काम आएगा। कितना डालो, अगर 15 लीटर का घड़ा है, 15 लीटर का, तो उसमें कम से कम 5 ग्राम चूना डालूंगा, 20 लीटर का है तो 6 से 7 ग्राम चूना डालूंगा, और 30 लीटर वाला घड़ा है सबसे बड़ा तो उसमें 10 ग्राम तक चूना डालूंगा। चूना वही जो पान की दुकान में मिलता है, लेकिन पान वाले से जब भी चूना लाओ तो कहना हमको सेंट मिलाया हुआ नहीं, बिना सेंट मिलाया हुआ चूना दो, गीला चूना कभी भी लाना है और उपयोग करना है तो गीला ही उपयोग करो। तो पान की दुकान में दो तरह का मिलता है, एक तो सेंटेड है जिसमें खुशबू मिलाई हुई है, वो पान वालों के काम का, वो आपके काम का नहीं, आप उनको बोलो बिना सेंट मिलाया हुआ दे दो वो आप ले आओ। और अगर पान की दुकान में ना मिले तो बाजार से सीधे चूने का पत्थर खरीद लाओ, पानी में डाल के 2-4 दिन उसको छोड़ दो, 2-4 दिन में पानी ऊपर आ जाएगा, चूना नीचे बैठ जाएगा, इस पानी को हटा दो, चूने को उपयोग करना शुरू कर दो। और चूने की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है और चूने का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, एक चीज आप ध्यान रखना जिंदगी में हमेशा, आप में से किसी को भी अगर पथरी का रोग है, गॉल ब्लैडर में पथरी बनती है, किडनी में पत्थर आता है, इनको कभी भी चूना नहीं खाना। चूना नहीं खाने वाले एक ही कैटेगरी के मरीज हैं जिनको पथरी की शिकायत है, गॉल स्टोन में या तो किडनी में। पथरी अगर बन रही है या पथरी बनी हुई है या आपके शरीर को बार बार पथरी होने की शिकायत है, ऐसे कोई भी लोग चूना ना खाए, नहीं तो तकलीफ बहुत बढ़ जाएगी। बाकी कोई भी खा सकते, गीला चूना महीने 2 महीना 3 महीना कभी भी खराब नहीं होता, पानी डालते रहिए, चूने का उपयोग करते रहिए। हाँ, एक मिनट बात करता हूँ इस पर थोड़ी देर, दूध और दूध के पदार्थ जी। अगर आपकी उम्र 70 वर्ष के ऊपर है तो आप मेथी और चूना दोनों साथ में प्रयोग कर सकते हैं, दोनों के बीच 1 तास का अंतर रखें, लेकिन 70 से कम उम्र है तो दोनों में से कोई एक ही आपके लिए अच्छा है, चाहे चूना ले लीजिए चाहे मेथी का दाना ले लीजिए, आप चाहें तो दोनों ले सकते हैं। कैसे, थोड़े दिन मेथी का दाना ले लीजिए 1 महीने, फिर 1 महीने चूना ले लीजिए, फिर 1 महीने मेथी का दाना, फिर 1 महीने चूना, तो जिंदगी की सब बीमारी चली जाएगी जी। पान के साथ जरूर खाइए लेकिन उसमें कत्था मत लगाइए, चूने का पान खाइए कत्था मत लगाइए, तो वो चूना भी आपके लिए बहुत उपयोगी है। पान खाइए चूने वाला, कत्था मत लगाइए, कत्था और चूने का दुश्मनी है, इसलिए कत्थे के साथ कभी भी चूना नहीं खाना, कत्था चूना दोनों साथ नहीं खा सकते, आयुर्वेद में निषिद्ध है, खाली चूना खा सकते कत्थे के साथ जी। तो पान वाले को कहिए कि हमारे पान में खाली चूना लगा, कत्था मत लगा, बिना कत्थे का पान खा जी। चूने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, चूने से ट्राइग्लिसराइड कम होता है, चूने से वजन कम होता है, चूने से शुगर कम होती है, चूने से बुद्धि बहुत बढ़ती है, शरीर के जितने भी हार्मोन्स का बैलेंस टूटा हुआ है चूना वापस उसको स्थापित कर देता है। आई को जो 45 साल की उम्र में मासिक पाड़ी बंद होने के बाद जितने भी त्रास है वो चूने से भी ठीक हो जाते हैं, जो कुछ मेथी दाने से ठीक होता है वो चूने से भी ठीक होता है। रात में कम खाएं तो अच्छा है, दिन में सबसे अच्छा चीज, और दिन में भी सबसे अच्छा समय है सुबह का। साइड इफेक्ट एक ही है, अगर आपको पथरी बनने की शिकायत है तो साइड इफेक्ट चूने का आएगा, वरना किसी को भी साइड इफेक्ट नहीं आता।
अगर आपको पहले से शरीर में पथरी बनने की शिकायत है तो चूना खाने पर इतना ही होगा कि पथरी फिर बन जाएगी, इसलिए आप पथरी बनने की शिकायत पहले दूर करिए। वो नहीं है तो कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। अगर थोड़ा भी चूना ज्यादा खाया तो पेशाब के साथ शरीर के बाहर अपने आप निकल जाएगा। चाट के खाया तो? चाट के खा लीजिए। जीभ की ताकत कितनी है ये उस पर निर्भर करता है। अगर आपकी जीभ टॉलरेट कर सकती है तो चाट के खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक ग्राम तक चाट सकते हैं रोज। पान के साथ चूल्हा लगा ले, उसमें कुछ डालना क्या? पान में सौंफ डाल सकते हैं, लवंग डाल सकते हैं, इलायची डाल सकते हैं, दालचीनी का पाउडर डाल सकते हैं, कत्था नहीं डाल सकते। हाँ, तो बिना कत्था डाले चूना लगा के खा लीजिए। बच्चे को लगभग, अगर आपका बच्चा थोड़ा उम्र में 15 साल के आसपास है तो उसको 1 ग्राम दे सकते हैं, लेकिन 15 से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनको आधा ग्राम ही काफी है, 1 ग्राम का आधा। उनको लगभग, अगर आप मानसिक बीमारी के लिए दे रहे हैं जिनको मैंने कहा ना मति मंद बता रहे, उनको तो 1 साल लगातार देना। उंच बढ़ाने के लिए अगर दे रहे हैं तो भी लगातार 1 साल देना पड़ता है। बाकी सभी बीमारियों में 3 महीने से ज्यादा देने की जरूरत नहीं। कावी के रोग में, जॉन्डिस में 10 दिन से ज्यादा देने की जरूरत है। जी गर्मी के ले सकते हैं, चूने से कोई तकलीफ। अब मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण माहिती देने जा रहा हूं, तो सभी आई ध्यान से सुने तो अच्छा है। कई बार क्या होता है कि घर में बच्चे पैदा होते हैं ना, छोटे बच्चे, तो 2-4 दिन होते ही उनको कावड़ हो जाता है। कई बार ऐसा जॉन्डिस होता है और वो जॉन्डिस कई बच्चों की जान ले लेता है, और आजकल ऐसी बहुत केस आ रहे हैं। तो मेरा एक निवेदन है कि जिनके भी घर में नया बच्चा आया है वो आई को नियमित रूप से चूना खिलाए, तो उसका जो दूध है दूध में चूना आएगा और बच्चे को मिल जाएगा, तो उस बच्चे को कभी भी कावड़ नहीं आएगा। हाँ, अगर आई को 8 महीने पूरे हो गए तो चूना खिलाना शुरू कर दो, लगभग 7 महीने से भी दे सकते। आई को कैसे देना है? सुबह सुबह नाश्ते के समय दही और चूना दोनों मिला के दीजिए, 100 ग्राम दही 1 ग्राम चूना गर्भावती गर्भस्थ आई को जरूर दीजिए, ताकि उसके बच्चे को कावड़ ना हो। जो आई भी गर्भावस्था में चूना खा ले 1 महीने, उस आई के बच्चे को कभी भी कावड़ नहीं होता, जॉन्डिस होता है, और उस आई का बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त होता है और आई को कभी सिजेरियन नहीं होता। अगर चूना खाया है आई ने 1 महीने भी लगातार खाया है तो आई को सिजेरियन ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉर्मल डिलीवरी होगी, बच्चा स्वस्थ होगा तंदुरुस्त होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि घर में कोई भी आई गर्भावस्था में हो तो सवेरे दूध में, नहीं सॉरी माफ करिए, दही में चूना मिला के देना शुरू कर दे। और उसी आई को एक काम और करेंगे तो और भी अच्छा है, सवेरे तो दही और चूना देना और रात को उस आई को गाय का दूध और तूप मिला के देना। गाय का दूध और उसमें मिलाया हुआ तूप, 1 गिलास दूध में कम से कम 2 चम्मच तूप रात को देना, और सकाड़ी दही और चूना देना, नहीं तो ताक और चूना देना। ये 2 चीज अगर नियमित रूप से 2 महीने 3 महीने आई को दे दिया गर्भावस्था में तो डिलीवरी नॉर्मल होगी, बच्चा स्वस्थ होगा तंदुरुस्त होगा और उस बच्चे को भविष्य में कोई भी रोग और बीमारी जल्दी नहीं आएगी। उस बच्चे को का लस देने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये जो पोलियो का लस देते हैं ना, हेपेटाइटिस बी का लस देते हैं, जो बच्चों की आई में चूना खाया है गर्भावस्था में उन बच्चों को कोई भी लस देने की जरूरत नहीं होती। उनका शरीर का रेजिस्टेंस पहले से ही इतना अच्छा होता है कि कोई भी बीमारी को वो झेलने की ताकत पहले से रखता है। मैंने ये प्रयोग 100 आई के करके देखा पिछले 6 साल, और उन सभी के बच्चे बिना सीजर हुए हैं, बच्चे तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं, किसी को भी पोलियो वैक्सीन नहीं दिया आज तक, कोई बच्चा उसमें 2 साल का है, कोई 3 साल का नहीं। और 3 साल की उम्र में जो बच्चे हैं उनका IQ माने बुद्धि इतनी तेज है कि कक्षा 1 और 2 के बच्चों को भी मात करते हैं। उनमें से एक छोटी बेटी है, अकोला में है, उसका भी एडमिशन कराया 3 साल की उम्र में, तो उसके स्कूल की प्रिंसिपल बोलती है कि इसको 3 क्लास के बच्चे से भी ज्यादा ज्ञान है। अभी उसका एडमिशन KG में हुआ है, इतना IQ तेज है, रिसेप्टिविटी इतनी तेज है।
और ये सारा का सारा प्रभाव है चूने का। वो आई ने गर्भावस्था में नियमित रूप से 4 महीने चूना लिया है, उसकी बच्ची बहुत ही स्वस्थ तंदुरुस्त है, कभी दांत निकलते समय बीमारी उसको हुई नहीं, बच्ची को सर्दी जुकाम आज तक 3 साल हो गया कभी आया नहीं, उसको बुखार को भी हुआ नहीं, पूरे अकोला शहर में चिकनगुनिया हुआ, उस बच्ची को नहीं हुआ, उसकी आई को भी नहीं हुआ। जी क्या बोला, सर्दी सर्दी सर्दी, जिनको बार बार सर्दी होती है, बार बार सर्दी होती है, ऐसे बच्चों को भी चूना दीजिए। तरीका वही है पानी में मिला के, नहीं तो दही या ताक दीजिए।